दोस्तों, अगर आप भी डेबिट कार्ड एमआई से अमेज़न, फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन कोई भी अगर सामान आप परचेस करते हैं, तो आपका अगर कोई ऑर्डर अगर कैंसिल होता है तो वो रिफंड कैसे मिलता है? देखिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ोन परचेस किए हैं डेबिट कार्ड एमआई के ऊपर और मैंने कैंसिल भी कर दिया कुछ रीज़न की वजह से। तो इस वीडियो में आपके मन में जितने भी सारे सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, सारे आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा आपसे विनती है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, डेबिट कार्ड एमआई का जो प्रोसेस होता है वो सभी बैंकों का सेम होता है। आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक, ये जो बैंक के हैं, फेडरल बैंक, इनका जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम होता है। बट यहाँ पे ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर काफी लोग नहीं दे पाते हैं, हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने OnePlus 8T फोन परचेस किया था और दोस्तों ये फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हीटिंग इशू बहुत दिक्कत आ रहा था, तो मैंने इस फोन को वापस कर दिया। अब ये फोन मेरा वापस हुआ 20 दिन के बाद, क्यों कि मैंने जब भी रिक्वेस्ट मैं कस्टमर केयर से डलवाता था तो कुरियर बॉय आते ही नहीं थे। इसके लिए रिटर्निंग पॉलिसी खत्म हो गया था, फिर भी अमेज़न की रूल है, अगर आपका रिटर्निंग पॉलिसी में अगर आपका कोई भी अगर प्रोसेस हुआ है तो आपका पैसा तभी रिफंड होगा अगर आपका टाइमिंग भी ज्यादा। तो अब यहां पे मेरा पेमेंट कटने का टाइम भी आ गया। अब देखिए, मान लो आपने अपना ऑर्डर जो है कर लिया 5 तारीख को, ओके, तो आपका जो पैसा है वो कटेगा नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को, 5 से 7 तारीख के बीच में। बट यहां पे सवाल आता है कि मान लो हमारा प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव निकल गया, खराब निकल गया, उसे वापस कर दिया तो पैसा कैसे होगा? देखिए, जब भी आप कोई सामान अगर कैंसिल करते हैं, आपका पैसा 5 से 7 वर्किंग दिवस में जिस कंपनी से आपने परचेस किया है वो पैसा जाएगा बैंक के पास, ऑटोमेटिक आपका जो प्रोडक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। बट कैंसिल होने के बावजूद भी आपसे फर्स्ट टाइम आपके बैंक से 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस ₹199 प्लस 18% GST, तो ये आपका कटेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसका स्टेटमेंट हम कहाँ पे चेक करेंगे? इसका स्टेटमेंट आप चेक नहीं कर सकते, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो उसके अंदर आप क्वेरी में जाके वहां पे देख सकते हैं, बट आपका 1-2 EMI अगर डेबिट हुआ होगा तो। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन और आते हैं कि मान लो अगर हमारा जो कोई सामान है कैंसिल हो गया और हमारा डेट आ गया पैसा कटने का, तो पैसा तो बैंक से कटेगा, क्योंकि अगर मान लो 5 दिन बाकी है और आपने सामान वापस कर दिया, तो अगर देखिए, अगर आप 20 तारीख के बाद कोई सामान अगर परचेस करते हैं तो उसका पैसा आपको उसके नेक्स्ट मंथ में, जो नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट मंथ बाद आपका 5 तारीख को पैसा आपका डेबिट होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जनवरी का मंथ है, ओनली मान लो जनवरी मंथ है, ओके, तो जनवरी मंथ में आपने 22 तारीख को एक मोबाइल ऑर्डर कर दिया, तो आपका जो पैसा है वो फरवरी मंथ के 5 तारीख को नहीं कटेगा, वो कटेगा 5 मार्च को। अब अगर इसके बीच में कोई प्रॉब्लम है, आपके फोन में कोई खराबी है, तो आप आसानी से वापस करके आप कर ही लोगे, तो वापस कर लोगे तो आपका जो स्टेटमेंट है वो नहीं बनेगा और पैसा आपका बैंक से नहीं कटेगा। अगर इनकेस कट भी जाता है तो ऑटोमेटिक रिफंड भी होगा। तो डेबिट कार्ड एमआई का ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और आते हैं कि जो डेबिट कार्ड एमआई होता है इसमें अगर मान लो हमारा लिमिट अगर 1.5 लाख शो कर रहा है, 1 लाख शो कर रहा है, तो क्या उतने रुपए का हम सामान ले सकते हैं? देखिए, जितनी आपकी लिमिट है उससे आपको 5 से 10 हजार रुपया कम खर्च करना है, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा अमेज़न फ्लिपकार्ट से। बट हमेशा जो है अमेज़न पे देखने को ऑफर हमेशा मिलता है, फ्लिपकार्ट पे बहुत कम मिलता है, तो फ्लिपकार्ट से मैं परचेस नहीं किया हूँ, मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया हूँ, 5-6 मोबाइल मंगा चुका हूँ। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया भी कि मैंने कैंसिल कर दिया, मेरा पैसा मुझे रिफंड मिल गया, अभी पैसा हमारे बैंक में जाएगा, हमारा EMI कैंसिल हो जाएगा, बट हमें 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो डेबिट कार्ड एमआई होता है, अगर हमारे अकाउंट में मात्र 1 रुपये बैलेंस है, मात्र 1 रुपये बैलेंस है, और मेरे डेबिट कार्ड की लिमिट एमआई जो है 1 लाख रुपये है, तो क्या हम 1 लाख का सामान लेंगे तो अकाउंट में पैसा होना जरूरी है? देखिए, मान लो आज आपने एक
आईफोन परचेस कर लिया, जिसकी प्राइस 50 से 60 हज़ार के बीच में है। आपकी लिमिट 1 लाख की थी और आपके अकाउंट में मात्र 1 रुपए थे। तो इस हाल में क्या होगा कि आपके अकाउंट में 24 से 48 घंटे के बाद आपके अकाउंट में अगर मान लो 50 से 60 हज़ार का फोन है, तो 50 से 60 हज़ार रुपया माइनस लगा दिया जाएगा। माइनस आपका लग जाएगा, माइनस लगने के 2 घंटे से लेके आपका 10 घंटे के अंदर अंदर ऑटोमेटिक वो माइनस हट जाएगा। एक बार आपके स्टेटमेंट में डेबिट विड्रॉल शो करेगा, फिर कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही घंटे बाद आपका क्रेडिट शो करेगा, वो माइनस हट जाएगा। इस सिस्टम से आपका डेबिट कार्ड EMI कन्वर्ट होता है। तो अगर आपके अकाउंट से पैसा अगर मान लो कट जाता है, मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, आपने जमा किया है, आपने कोई फोन ले लिया, तो आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा, बट वो पैसा आपके अकाउंट से निकलेगा नहीं, वो पैसा सिर्फ आपको शो करेगा कि पैसा डेबिट हुआ है, बट वो पैसा कुछ ही टाइम टाइम में, कुछ ही घंटों में वहां पे रिफ्लेक्ट कर देगा, शो करने लगेगा। तो इस तरीके से डेबिट कार्ड का EMI प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको और आप लोग के मन में होता है, इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, बट कुछ एडवांस बताऊंगा कि अगर आप कभी भी डेबिट कार्ड EMI अगर कोई सामान लेते हैं, तो जब भी आप लेना तो आप 10 और 15 तारीख के बीच में कभी ऑर्डर मत करना। क्यों? देखिए सॉरी, 10 और 20 तारीख के बीच में कभी ऑर्डर मत करना। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका सामान में कोई खराबी है, कोई दिक्कत है, तो आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। तो अगर आपका फर्स्ट EMI कटता है तो रिफंड होगा। अगर आपको अगर ऑफर है तो आप ले सकते हो, बट आप जब भी कोई भी फोन अगर आप परचेस करना चाहना, तो आप 20 तारीख और 30 तारीख के बीच में लेना। अगर आप 20 तारीख और 30 तारीख के बीच में लेते हो, तो आपको 1.5 महीने का टाइम मिलेगा EMI पैड करने के लिए। 1.5 महीने में अगर आपका कोई EMI अगर कैंसिल करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पैसा आपका रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके मन में और कोई क्वायरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। जो चीजें मैं आपको बताया हूँ, ये आपको शायद बहुत कमी लोग बताए होंगे। एक इंफॉर्मेशन आपको मैं और दूंगा, जो डेबिट कार्ड EMI होता है, ये क्रेडिट कार्ड से अलग होता है, बट सिस्टम सेम होता है। डेबिट कार्ड EMI में एक आपका फायदा ये है कि आप कोई भी सामान ले सकते हो, कोई पैसा अकाउंट में रहे या ना रहे। तो ये सभी बैंकों का सेम प्रोसेस है। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैं काफ़ी लोग की वीडियो देखता हूँ और कमेंट पढ़ता हूँ। तो कमेंट में काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, मुझे रिफंड नहीं मिला। तो अपने मन से ये बात निकाल दो, आपका रिफंड नहीं मिला है, ऑर्डर कैंसिल, और 5 से 7 वर्किंग डे में आपका जो पैसा है वो वहां पे रिफ्लेक्ट कर देगा। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मान लो मेरा रिफंड अमाउंट हो गया, तो क्या हमारे डेबिट कार्ड में वो अमाउंट कब तक ऐड होगा? देखिए, आपका जैसे ही आपका EMI कैंसिल होगा, 1 से लेकर 10 वर्किंग दिवस के अंदर वो आपके डेबिट कार्ड में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से ऑफर आएगा, आप सामान ले पाओगे। जैसे मान लो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको डेबिट कार्ड EMI का ऑफर है, ओके। अब अगर मान लो आप इसी मंथ में सामान लिए और कैंसिल कर दिए, तो जो आपका अमाउंट है आपके डेबिट कार्ड में ऐड हो जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम अगर आपको जब ऑफर आएगा, तो उस टाइम परचेस कर पाओगे। आप उसी टाइम ऑर्डर कैंसिल करके आप दूसरा सामान नहीं ले पाओगे। अगर आपकी लिमिट बची है तो ले पाओगे, बट आप अगर लिमिट नहीं है तो नहीं ले पाओगे। तो जो भी आपका डेबिट कार्ड EMI का कैंसिलेशन करते हो, जो आपका अमाउंट होता है आपके डेबिट कार्ड में ही जाता है, बट आपको शो नहीं करेगा, वो बैंक के सिस्टम में प्री अप्रूव पे क्लिक करोगे तो वहां पे शो करेगा। तो इस तरीके से आपका लिमिट शो करता है। तो मैंने आपके सारे आंसर के जो सवाल थे दे पाए हैं, इसका जवाब जो है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, मैं शेयर कर देना। और डेबिट कार्ड EMI के बारे में कुछ भी छूट गया है, आप मुझे पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो लंबा हो गया इसलिए सॉरी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।